उज्जैन की सबसे प्रमुख शिप्रा नदी और शिव मंदिर में सावन माह में हजारों भक्त श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजन अर्चना कर रहे हैं। उज्जैन शहर के तमाम शिव मंदिर, प्रमुख शिप्रा नदी, रामघाट और तमाम प्रमुख धार्मिक स्थानों पर बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु परिवार के सदस्यों के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और संपूर्ण विश्व का भला हो ऐसी कामना कर रहे हैं। प्रमुख स्थानों पर और सभी मंदिरों में इस समय हजारों भक्त श्रद्धालु मौजूद है। सावन माह में उज्जैन शहर में भक्तजनों की भीड़ देखने को मिलती है, जहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना हर दिन चलती रहती है और भक्तों का तांता लगा रहता है। रामघाट माँ शिप्रा के तट पर सावन के महापर्व पर देश विदेशों से सभी जनता माँ भक्तजन यहाँ पधार रहे हैं। ये रामघाट है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ के माता कौशल्या के तर्पण करे थे। वही रामघाट है जहाँ पर बाबा महाकाल और माँ शिप्रा के पूजा से समस्त पाप दोष निवारण होता है और यहाँ पर सब मनोकामना बाबा महाकाल और माँ शिप्रा के आशीर्वाद से पूर्ण होती है। यही वही रामघाट है जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्नान करे थे। आपका नाम? पंडित प्रेम द्विवेदी पुलवाला। अब बताइए आज पूजन का क्या विशेषता है यहाँ की? देखिए, जैसा कि सभी भक्तों को पता है और सबको अंतर्राष्ट्रीय भारत में सबको मालूम है कि रामघाट जो है प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण घाट माना जाता है और बाबा महाकाल की नगरी, बाबा महाकाल का शहर संपूर्ण भारत में इस समय सावन के जो महीने में सभी भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और बाबा महाकाल की पूजा अर्चना तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ सबसे प्रमुख स्थान, प्रमुख जो रामघाट छोटे पुल पर, ये भगवान शिव का सबसे प्राचीन मंदिर है और माँ शिप्रा कि आज हमने यहाँ पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और संपूर्ण विश्व का सबका भला हो उसी कामना को लेकर सावन के महीने में जैसे लाखों भक्त यहाँ पर शिव भक्त होकर माँ शिप्रा के भक्त होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, वही शिव भक्त होकर हमने भी माँ शिप्रा की पूजा अर्चना की और सबका भला करने के लिए बाबा के समक्ष कामना की कि बाबा महाकाल और माँ शिप्रा संपूर्ण विश्व का भला करना, सबका हित करना और सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना सावन के महीने में, यही हमने पूजा अर्चना की। उज्जैन से वीरेन शर्मा की रिपोर्ट।